तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। यहाँ पे यार हम लोग जानते हैं यार विंडो का एक बहुत तगड़ा अपडेट बोला जाए सन वैली अपडेट 21H2 आने वाला है, जल्दी आने वाला है, अभी टाइम है। इसको अगर आप चाहो तो यार अभी भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम में, आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी अगर करना चाहते हो तो इसी का यार बहुत अच्छा लीक निकल के आ रहा है, लीक ही बोल सकते हैं क्योंकि अभी तो इसको आने में टाइम है। तो अभी लीक की बात कर सकते हैं, जो भी अपकमिंग चीज़ें दिखने वाली है वो कैसे होने वाली है वो कुछ अपडेट करते रहते हैं तो वो देखने को दिखा है। साथ ही साथ यार ये रिलेटेड किसके हैं, जो अभी बिल्ट आया था अभी रिसेंटली 21354 जो बिल्ट अभी आपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा, आई बटन पे आपको मिल जाएगा क्या क्या नया उस बिल्ट में, उसी से थोड़ा सा इसको लिया गया और काफी हद तक चेंजेस देखने को दिखे हैं। चेंजेस किस चीज में वो आगे बात करेंगे, पर यहां पहले एक मेन चीज आपको बताना जरूरी है। यहां भाई विंडो वालों ने एक अपडेट निकाला था, नॉर्मल अपडेट नॉर्मल यूजर्स के लिए, और वहां पे वो अपडेट अगर आपके कंप्यूटर में इस समय आपने नहीं कराया और आ रखा है तो यार मैं प्रेफर करूंगा ना करें, और अगर आपने कर लिया है तो इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अनइंस्टॉल पे हमने वीडियो बना रखी है कैसे अपडेट्स करते हैं। हुआ क्या वैसे, क्यों बोल रहा हूं यार, क्योंकि इस जो अपडेट आया है इसे काफी सारे एरर आ गए हैं। यस, ब्लू स्क्रीन डेथ एरर और भी बहुत सारी चीजें होती है ना, कमांड लाइन एरर, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण आपको यार देखा जाए तो दिक्कत ही होगी। तो अभी विंडो वाले जो है माइक्रोसॉफ्ट वाले वो एक और अपडेट निकालेंगे इसको फिक्स करने के लिए, तब आप कर सकते हैं उसे अपडेट। तो अभी मेरे हिसाब से नहीं, तो अभी आज की डेट में तो बोला जाए तो यार ये एकदम कचरा अपडेट बन रखा है। नाम इसका क्या है यार, विंडो 10 का और KB5001330। हाँ ये एक नॉर्मल अपडेट जैसे आते हैं यार नॉर्मल यूजर के लिए उनके अंदर है, तो ये चीज देखने को दिखी है। अच्छा अब वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, विंडो 10 21H2 के अंदर क्या नया फीचर आ रहा है। देखो फीचर्स की बात नहीं यहाँ पे एक शॉर्टकट, क्योंकि फीचर्स तो यार नॉर्मली जो विंडो हम लोग यूज कर रहे हैं वही होने वाली है, बस यहाँ फीचर्स में बात करी जाए तो इंटरफेस ये सब चेंज होने वाले हैं। तो हुआ क्या है यहाँ पे, और बहुत बेहुदा टाइप तो नहीं बनता है पर चलो यार बता देता हूँ आप सबको। यहाँ पे यार विंडो वालों ने क्या करा है, जो अभी हमारा रिसेंट बिल्ट गया था 21354 उसी से ये चीज मतलब कंटिन्यू होगी, एक स्टार्टअप मिल चुका है इसे। और हुआ क्या यार, जितने भी आपका एडमिनिस्ट्रेटर टूल होता था, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल जो आप कंट्रोल पैनल से एक्सेस करते थे, वो सबको मूव कर दिया गया और इसको एक नया फोल्डर के अंदर डाल दिया गया, और उसका नाम जो है ना फोल्डर, और ये कंट्रोल पैनल के अंदर बन रखा है विंडोज टूल के नाम से, और उसके अंदर अब आपको एडमिनिस्ट्रेटिव टूल मिलेंगे। और नॉट ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव टूल, बहुत सारे नए टूल्स भी इंट्रोड्यूस होंगे जो अभी फ्यूचर में उसके अंदर ही आने वाले हैं, और कुछ शॉर्टकट्स जो होते थे ना अपने नॉर्मल जो आपने देखा था विंडो, वो सब भी आपको वहीं अब मिलने वाले हैं। तो ये बेसिक अपडेट था, पर एक चीज़ में बेकार क्या लगी ना कि देखो यार देखा जाए तो विंडो वालों ने अपने अपडेट कर रहे हैं, साथ ही साथ ये भी बोल रखा है कि कंट्रोल पैनल जो है उनका उसको रिमूव कर देंगे कंप्लीटली, देखा जाए बाद में फ्यूचर में कंट्रोल पैनल को जो सेटिंग्स है उससे। तो यार ये कंट्रोल पैनल में अपडेट करके क्या फायदा है, यही मेरे को समझ नहीं आया। बाकी हाँ ठीक ठाक है, इसमें नए नए फीचर्स जब आएंगे वो देखने वाले होंगे क्या क्या टूल्स नए इंट्रोड्यूस होंगे, अभी उसमें टाइम है। विंडो 10 का जो 21H2 अपडेट है सन वैली, वो बहुत मेन अपडेट है, अगर आप उसको ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगी, वो एक ट्रायल वर्जन है नॉट कंप्लीटली, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें इंप्रूवमेंट होने वाली है। ठीक है, बाकी इस वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।